क्लास टेंथ का मैथ्स का चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है क्वाग्रेटिक इक्वेशंस इस चैप्टर की एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री के क्वेश्चन नंबर थ्री को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री के क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस देखो हमें क्वेश्चन में ना ये एक इक्वेशन दे रखी है और हमने इस इक्वेशन के रूट्स निकाल दिए हैं अब ये देखो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री ये हमें एक क्वेश्चन दे रखी है वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ध्यान से देखो यहां पर x डिनोमिनेटर में है ना डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिविजन बाय जीरो इज नॉट अ डिफाइंड मैथमेटिकल ऑपरेशन इसलिए यहां पे ये लिखा हुआ है वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर में x की जगह पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता क्वेश्चन तो उन्होंने मैथमेटिकली करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है ना इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इस इन्फॉर्मेशन की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना यहाँ पे देखो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है एक्स डिनोमिनेटर में है तो पहले तो हमें इक्वेशन को ठीक करना पड़ेगा वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए जो नंबर्स है ना नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में हो तो चलेगा वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए तो पहले तो हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी एक बार जब आप क्वाग्रेटिक इक्वेशन बना लोगे ना फिर उस क्वाग्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके उसके रूट्स निकालेंगे चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन हमें एक्स माइनस वन अपन एक्स इज इक्वल टू थ्री जो इक्वेशन आपको दे रखी है पहले तो आप उस इक्वेशन को एज इट इज लिखोगे देखो यहां पे x के गिनोमिनेटर में कोई नहीं है जिसके गिनोमिनेटर में कोई नहीं होता उसके गिनोमिनेटर में वन होता है तो इस x को आप x 1 ऐसे लिख सकते हो ये बाकी क्वेश्चन हमने एज लिखी अब अगले स्टेप में ना एलसीएम लेना है वन और x का एलसीएम x आएगा अब ये न्यूमरेटर कैसे लिखा है उसे समझते हैं गिनोमिनेटर से ना गिनोमिनेटर से इस एलसीएम को आपने डिवाइड करना है डिवाइड करने के बाद जो आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना होता है तो वन से एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स ही रह जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्नेटर से एलसीएम को डिवाइड करना होता है डिवाइड करने के बाद जो आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना होता है अब आगे माइनस का साइन था तो आपने भी माइनस लगाया अब यहां पे फिर से डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है डिवाइड करने के बाद जो आएगा उससे न्यूब्रेकर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है तो x से जब आप x को डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी वन बचेगा वन मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू वन और ये इज इक्वल टू थ्री का इज इक्वल टू थ्री एज इट इज तो एलसीएम लेके आप यहां तक पहुंच जाओगे आगे तो बस आसानी से सिंपलीफाई हो जाएगा एक्स को इधर थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री एक्स बन जाता है ये एक्स स्क् का एक्स स्क्र एज इट इज इस थ्री एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और माइनस वन का माइनस वन एज इट इज तो एक्स स्क्वेर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हमारी क्वाग्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो इक्वेशन आपको दे रखी थी आपने उसे सिंप्लीफाई करके क्वाग्रेटिक इक्वेशन बना लिया है अब आगे हम इस क्वाग्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकालेंगे क्वाग्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं आप किसी भी तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो यहां पे मैंने ना क्वाग्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व किया है चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करते हैं वो देखो पहले तो आपने ए बी और सी की वैल्यूज को लिस्ट करना है ये एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशियंट होता है वो ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वेयर के आगे जो नंबर लिखा हुआ है जैसे यहां पर एक्सक्वेयर के आगे कोई नहीं है जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है तो ए की वैल्यू वन है x का जो कोफिशियंट है वो b की वैल्यू होती है और ये जो कॉन्स्टेंट है ये c की वैल्यू होती है तो b की वैल्यू माइनस थ्री है और c की वैल्यू माइनस वन है माइनस के साइन को साथ में लेना होता है तो ये ए बी और सी की वैल्यूज आ गई उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी बी की जगह पे माइनस थ्री पुट करना है ए की जगह पे वन और सी की जगह पे माइनस वन तो बी ए और सी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दिया है माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन आएगा और माइनस फोर को माइनस माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस फोर बन गया थर्टीन तो ये डी की वैल्यू हमारे पास थर्टीन आ गई है अब क्वाग्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं ये क्वाग्रेटिक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर इसी अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर वर्क ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू फॉर्मूला है अब इसके अंदर वैल्यू स्पोर्ट करते हैं ये वाला जो माइनस है ना ये फॉर्मुले का माइनस है तो इसको हमने एज ए किस लगाया अब बी की वैल्यू बी की वैल्यू माइनस थ्री है ना तभी ब्रैकेट के अंदर माइनस थ्री लिखा ये प्लस माइनस का प्लस माइनस एज ए किस ये बी स्क्र माइनस फोर एसी की वैल्यू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आपने निकाली हुई है थर्टीन आई थी तो ये बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी की जगह पे थर्टीन पुट किया और डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू वन है ये देखो ए की वैल्यू वन है तो ए की जगह पे वन पुट किया यहां तक क्लियर हो गया फॉर्मुला लिख लोगे उसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देनी है आगे चलते हैं ये लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से थ्री बचेगा और ये प्लस माइनस अंग्रूट थर्टीन का प्लस माइनस अंगीन ऐसा टू इंटू वन इज इक्वल टू टू अब इसके बाद ना दो केसेस बनाने होते हैं एक बार आपने प्लस के साइन को लेना है और एक बार आपने माइनस के साइन को लेना है तो या तो एक्स की वैल्यू होगी थ्री प्लस

माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर एंड सेवन एक्स की वैल्यू माइनस फोर नहीं हो सकती क्योंकि अगर आप यहाँ पे गिनोमिनेटर में एक्स की जगह पे माइनस फोर पुट करो तो माइनस फोर और प्लस फोर आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अ डिफाइंड मैथमेटिकल ऑपरेशन इसलिए ये लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू माइनस फोर नहीं हो सकती और एक्स की वैल्यू सेवन भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह पे सेवन पुट कर दो तो सेवन माइनस सेवन यहाँ पर जीरो बन जाएगा और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए तो क्वेश्चन जब आपको दे रखा होता है तो उन्होंने तो मैथमेटिकली करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है ना इसलिए लिखा हुआ है कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस फोर और सेवन कि एक्स की वैल्यू माइनस फोर नहीं हो सकती सेवन भी नहीं हो सकती वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी चलो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसमें आप ध्यान से देखो x गिनोमिनेटर में है यहां पर भी x गिनोमिनेटर में है वेरिएबल गिनोमिनेटर में है वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए नंबर्स अगर गिनोमिनेटर में हो तो चलेगा वेरिएबल गिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए तो पहले तो हमें इस इक्वेशन को सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ना पहले हमें क्वाग्रैटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी एक बार जब आपकी क्वाग्रैटिक इक्वेशन बन गई है फिर उस इक्वेशन को आप तीनों में से किसी भी मेथड को यूज करके सॉल्व करके इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो तो चलो पहले इस इक्वेशन को ना सिंप्लीफाई करते हैं ये जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी थी पहले तो हमने उस इक्वेशन को एज ए इज लिखा अब अगले स्टेप में आपने एलसीएम लेना है यहां पर डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस फोर और यहां पर डिनोमिनेटर में एक्स माइनस सेवन है क्या दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम थोड़ी है डिफरेंट है ना यहाँ पे एक्स प्लस फोर है और यहाँ पे एक्स माइनस सेवन है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं ना तो एलसीएम के अंदर दोनों आते हैं ये एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस सेवन इनका प्रोडक्ट वही यहाँ पे एलसीएम के अंदर आएगा अब ये न्यूमरेकर कैसे लिखा है उसे समझते हैं डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करना होता है डिवाइड करने के बाद जो बचेगा ना उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है x प्लस फोर से जब आप इस एल्सियम को डिवाइड करोगे तो x प्लस फोर से ये वाला x प्लस फोर कैंसिल तो और x माइनस सेवन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वो x माइनस सेवन ही आता है तभी यहां पे x माइनस सेवन लिखा है डिनोमिनेटर से एल्सियम को डिवाइड करना है जो बच जाएगा ना उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना होता है क्लियर हो गया बीच में माइनस का साइन है तो हमने भी माइनस का साइन लगाया अब यहाँ पे डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करना है तो एक्स माइनस सेवन से जब डिवाइड करेंगे तो ये एक्स माइनस सेवन कैंसिल आउट हो जाएगा ये एक्स प्लस फोर रह जाएगा जो बच जाता है ना उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है तो एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू एक्स तो प्लस फोर वो बाहर माइनस का साइन था ना इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये इलेवन अपॉन थर्टी का इलेवन अपॉन थर्टी एज इट इज़ तो एल्सियम लेके आप यहां तक पहुंच जाओगे अब आगे x माइनस सेवन का x माइनस सेवन एज इज ये बाहर माइनस का साइन है ना तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तभी माइनस एक्स और माइनस फोर बन गया इलेवन अपॉन्ट थर्टी का इलेवन अपॉइन थर्टी एज इज डिनोमिनेटर में इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं पहले x से आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर फोर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट्स ओपन करके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे एक्स और माइनस एक्स ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेते हैं और माइनस सेवन और माइनस फोर एड होके माइनस इलेवन बन जाएगा सिंपलीफाई करके माइनस थ्री एक्स बजेगा माइनस ट्वेंटी अपॉन थर्टी का इलेवन अपॉन थर्टी भी एज गेज यहां देखना न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है माइनस इलेवन और यहां पर इलेवन है तो इस इलेवन से आप इस इलेवन को कैंसिल आउट कर दो तो यहां पर सिर्फ माइनस वन रह जाएगा माइनस वन डिनोमिनेटर एज लिखा और ये इलेवन तो कैंसिल आउट हो गया था डिनोमिनेटर में थर्टी रह गया था तो ये वन बाय थर्टी बन जाता है अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है थर्टी को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस थर्टी आया और एक्स स्क्वायेयर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट को वन से मल्टीप्लाई करके वही रह जाएगा एक्स स्क्वायेर माइनस माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट ये माइनस थर्टी अकेला इस तरफ क्या कर रहे हैं इसे भी साइड पे ले आते हैं एक्स स्क् का एक्स स्क्स एग इज माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट का माइनस ट्वेंटी एट ये माइनस थर्टी को लेके आएंगे तो वो प्लस थर्टी हो जाएगा ये थर्टी में से ट्वेंटी एट सप्रैक्ट किया तो टू रह गया <coughs> ये बन गया हमारी इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो या ऐसे अगले स्टेप में पे लिख लो एक ही बात है ये रीअरेंज कर दिया एक्सक्वेर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और इज इक्वल टू जीरो को लेफ्टिंग साइड के बजाय राइटिंग साइड पे लगा दिया यहां तक पहुंच गए जो आपको इक्वेशन दे रखी थी हमने उस इक्वेशन को थोड़ा सा simplify किया simplify करके हमने इक्वेशन बना लिया अब आगे चलते हैं इस क्वाग्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालते हैं ये हमारी इक्वेशन बन गई थी एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो अब इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वो भी यूज़ कर सकते हो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर भी यूज कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो यहां पर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया है पहले आपने ना ए बी और सी इन तीनों की वैल्यूज लिखनी होती हैं ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट ए होता है यहां पर एक्स स्क्वेयर का आगे कोई नहीं है जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है तो ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू माइनस थ्री है और ये सी की वैल्यू प्लस टू है जो एक्स का कोफिशियंट होता है ना वो बी की वैल्यू होती है और जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है ये सी की वैल्यू होती है तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई आगे उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सी अब बी की वैल्यू माइनस थ्री ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू टू आपने बी ए और सी की जगह पे इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देनी है माइनस थ्री का स्क्वेयर करोगे तो नाइन ना आएगा और इनको मल्टीप्लाई करके माइनस ए कहता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वाइनस फोर इसी अपॉन टू ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अपॉन टू ए अब सबकी वैल्यूज पुट करते हैं ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है बी की वैल्यू माइनस थ्री है तो बी की जगह पे माइनस थ्री पुट किया ये बी स्क्र माइनस फोर ए सी की वैल्यू यह हमने सॉल्व करके निकाली हुई है ना वन आ रही है तो बी स्क्र माइनस फोर ए सी की जगह पे आप वन पुट कर दो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और डिनोमिनेटर में यह टू के साथ ए है ना ए की वैल्यू भी वन है तो टू इंटू ए की जगह पे वन पुट किया ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस थ्री बनेगा ये प्लस माइनस एंग्रो का वन का प्लस माइनस एंग्रो का वन एज इट इज और टू इन टू वन इज इक्वल टू टू इसके बाद अगले स्टेप में ना एक बार आपने प्लस का साइन लेना है और एक बार माइनस का साइन लेना है जैसे एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस वन अपॉन्ट टू एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस वन टू ये फर्स्ट वैल्यू बनेगी और एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस वन टू थ्री माइनस वन टू ये एक्स की दूसरी वैल्यू होगी इसको सॉल्व करके टू आ जाता है और इसको सॉल्व करके वन आ रहे हैं तो टू और वन ये इसके दो रूट्स हैं एक्स की वैल्यू टू होगी या फिर वन होगी ओके okay?